हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं इस क्लास में। सो वी आर गोइंग टू स्टडी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसा कि इसके स्टार्टिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराया जाता है तो कॉपर बन जाता है और वाटर बनता है, ठीक है। ये हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, जिससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी रिएक्शन आपको लिखा हुआ दिखेगा तो आपको उसमें चूज कर लेना है कितने रिएक्टेंट है, कितने प्रोडक्ट है, ठीक। उसके बाद वही ऑब्जेक्ट को देखना है, उसी एलिमेंट को देखना है जो दूसरे साइड भी हो, ठीक है। तो कंपेयर करना है, जैसे यहाँ पे मुझे कॉपर दिख रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी है, उसकी बात तो नहीं है, लेकिन कॉपर हमको दिख रहा है और इस साइड भी कॉपर दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ के कॉपर और यहाँ के कॉपर के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं कि आखिर क्या चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ के कॉपर में ऑक्सीजन था, यहाँ के कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, यानी इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ है यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिडक्शन, ठीक ना। रिडक्शन का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन ऐड हो या तो ऑक्सीजन लॉस हो, तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऐड हो नहीं रहा है इसमें, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, जैसा कि हम लोग यहाँ से यहाँ चेंजेस देख रहे हैं। तो ये हमारा रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, ठीक। अब अगला हम लोग एलिमेंट देखते हैं, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन अलोन है, किसी और भी एलिमेंट के साथ नहीं है, केवल हाइड्रोजन ही है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ जा रहा है और वाटर बना दे रहा है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है, यानी इधर से इधर जब चेंज हुआ तो ऑक्सीजन ऐड हो गया। किसमें ऐड हो गया? इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन को एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, उस चीज का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें वो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती, जैसे इसमें ऑक्सीजन नहीं है और इसी में ऑक्सीजन आके जुड़ेगा और जुड़ा भी है, तो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन कहाँ से होगा, वाटर में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है ना। तो जिस चीज में ऑक्सीजन जुड़ता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और वाटर बन जा रहा है, इसलिए हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और एज ए रिजल्ट ये दो प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, ठीक। अब दो और टर्म थे जिनको हम लोग को समझना था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है अगर आप ध्यान से समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल या वो मॉलिक्यूल होता है रिएक्शन में जो किसी को ऑक्सीजन देता है, ठीक। तो मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और टेक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस केमिकल, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो किसी दूसरे एलिमेंट या दूसरे मॉलिक्यूल में से किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन दे दे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन, या तो किसी दूसरे में से हाइड्रोजन ले ले, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सब्सटेंस होंगे या जो भी मॉलिक्यूल होंगे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोजन और टेक ऑक्सीजन,
तो जस्ट रिवर्स चल रहा है, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट कोई मॉलिक्यूल रहेगा वो दूसरे किसी मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन देगा, एक तो ये कंडीशन है, या तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन लेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन के बेसिस में हम लोग पता करने का प्रयास करते हैं कि इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखा जाए कौन ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे स्टार्टिंग में रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो ये हमारे दो रिएक्टेंट हैं, एक हाइड्रोजन गैस और कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और ऑक्सीजन किसके पास है, कॉपर ऑक्साइड के पास है ना। तो ऑक्सीजन स्टार्टिंग में रिएक्शन के कॉपर ऑक्साइड के पास था, तो यानी ऑक्सीजन देने का काम कौन कर रहा है, ये। ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन दे रहा है, किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ये अपना ऑक्सीजन इसको दे रहा है और जिस वजह से हमको क्या मिल रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा है और वाटर बन जा रहा है। तो कॉप ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किसका है, और कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, ये ऑक्सीजन दे रहा है किसी और एलिमेंट या मॉलिक्यूल को, तो हमारा कॉपर ऑक्साइड किस चीज का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन देना, तो इसके पास पहले था लेकिन बाद में इसको दे दिया और इसकी वजह से ओवरऑल रिएक्शन में ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो कॉपर ऑक्साइड इन दिस रिएक्शन इज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, या तो हाइड्रोजन दे किसी को या तो किसी से ऑक्सीजन ले, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो किसी को दे नहीं रहा है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है इससे ऑक्सीजन ले रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है इसको और ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन इससे ले रहा है। सीधी सी बात है ना, जैसे मैं किसी को पैसे दूंगा तो वो मुझसे पैसे लेगा, तो मैंने पैसा दिया उसने पैसे लिया, तो वही चीज़ यहाँ हो रही है कि कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन इसको देकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, इससे ऑक्सीजन लेकर वाटर बना दे रहा है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, क्लियर है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, या तो हाइड्रोजन किसी को देता है या तो किसी से ऑक्सीजन लेता है, तो ये यहाँ पे इससे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले रहा है, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस हमारा इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन चूंकि दे रहा है अपना और अपने आप को फ्री कर रहा है, तो ऑक्सीजन देने वाला है इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको ये माइंड में ये डेफिनेशन रहना चाहिए, तो आप इजीली रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिएक्शन में और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल देखकर इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो अगला एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव राइज टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोगों को चीज़ों को ध्यान से देखना है, सिमिलर चीज़ों को, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, और उसमें देखना है क्या चेंजेस हुआ है। तो ये हमारा, मैंने जिंक वाला एक ले लिया मॉलिक्यूल इस साइड का और इधर का जिंक ले लिया। ठीक, अब मैं इन दोनों में देख रहा हूँ चेंजेस, यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन है और ये जिंक ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में जिंक में से ऑक्सीजन गायब हो जा रहा है, यानी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है,
तो आपको डेफिनेशन माइंड में बना रहना चाहिए, तब इजीली आप पहचान सकते हैं रिडक्शन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे मैंने कार्बन को देखा और यहाँ पे कार्बन को देखा, इसमें क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कार्बन सिंगल था, अलोन था, अकेला था, इसके साथ कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है ना प्रोडक्ट साइड में, तो यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है या ऐड होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन। हमेशा याद रखिए, जो स्टार्टिंग हमारा मॉलिक्यूल है उसी का वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी इस चीज में से ऑक्सीजन निकला, इसमें से तो निकलेगा नहीं ऑक्सीजन, ये तो पहले से खाली हो गया है, तो इसमें है ऑक्सीजन तो ही इसी में से निकलेगा, तो दैट्स वाई इसी का रिडक्शन हो रहा है, ना कि इसका। ये चीज़ रिड्यूस होकर ये बन जा रहा है। ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीजन किसमें जुड़ेगा, इसमें या इसमें, इसमें तो ऑलरेडी जुड़ा है तो इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़कर ऑक्सीजन ये बनेगा, इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी को ऑक्सीजन दे या किसी में से हाइड्रोजन ले ले। यहाँ हाइड्रोजन तो पूरे रिएक्शन में है नहीं, तो ऑक्सीजन के ही पोजीशन को हम लोग देखते हैं कि कहाँ से ऑक्सीजन किसको जा रहा है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड जो अपना ऑक्सीजन इसको दे दे रहा है, इसलिए प्रोडक्ट में जिंक में से ऑक्सीजन गायब हो जा रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहा है, तो हमारा जिंक ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला मॉलिक्यूल है। पूरे रिएक्शन में स्टार्टिंग में इसी के पास ऑक्सीजन था, इसके पास तो था नहीं, तो हम बाद में देख रहे हैं इसके पास ऑक्सीजन आ रहा है, तो कहाँ से आया होगा, इसी से आया होगा, तो जिंक ऑक्साइड ने इसको ऑक्सीजन दिया, इसलिए जिंक ऑक्साइड मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, जो किसी को हाइड्रोजन दे या किसी में से ऑक्सीजन ले ले। ठीक है, दोनों ही मतलब इसके होते हैं। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन का तो कोई केस है ही नहीं, तो कार्बन जो है इससे, जैसे ये जिंक ऑक्साइड इसको ऑक्सीजन दे रहा है ना, और ये कार्बन क्या है, इसको इस, जब ये ऑक्सीजन देगा तो ये लेगा, तभी ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, जैसा कि पिछला केस था। तो ये ऑक्सीजन दे रहा और कार्बन ऑक्सीजन ले रहा है, तो का ऑक्सीजन लेने वाले को भी क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारा कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले रहा है और जिंक ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है इसको और ये कार्बन ऑक्सीजन इससे ले रहा है, मैं दे रहा हूँ उसको, वो ले रहा है मुझसे। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस है। तो जिंक ऑक्साइड इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला, और कार्बन जो है ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने वाला है, इसलिए हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर, आई होप ये सारे चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड दो टॉपिक हैं एनसीईआरटी में आपके, उसको भी डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो है रस्टिंग। ठीक है, इसको कि कोरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है रैंसिडिटी, रैंसिडिटी। ठीक है, तो ये भी रिडॉक्स टाइप का रिएक्शन ही है, यानी यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस हमको नज़र में आते हैं और जिसकी वजह से कुछ लॉस होता है, कुछ घाटा होता है, उसको हम लोग को समझना है छोटे छोटे इन दो टॉपिक्स में। ठीक है,
तो सबसे पहले रस्टिंग को पढ़ते हैं। रस्टिंग या कोरोजन, कोरोजन सबसे ज्यादा ब्रॉडर टर्म है, बड़ा टर्म है, इसके अंदर आता है रस्टिंग। ठीक है, जब रस्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो केवल आयरन मेटल की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? आयरन मेटल की, है ना। तो कोरोजन जो होता है सभी मेटल के लिए ये टर्म यूज होता है, इसलिए कोरोजन ज्यादा बड़ा टर्म है, जबकि रस्टिंग इज वेरी स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू आयरन मेटल ओनली। ठीक, चलिए तो इसको समझते हैं एक बार फिर से अच्छे से। कोरोजन, ठीक है, तो कोरोजन जो होता है उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगना। जंग लगना, जैसे कि किसी आयरन के मेटल पे लग जाता है जंग, या किसी और मेटल पे जंग लग जाता है, एक सरफेस पे लेयर बन जाता है, उसी को कोरोजन बोलते हैं। वो जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। अब कोरोजन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं? ठीक है, तो उसके लिए दो चीज़ें जरूरी रहती हैं। एक तो होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी वाटर, ये वाटर वेपर के फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है। दूसरा है एयर, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, या जिसको हम लोग O2 भी लिख सकते हैं सिंबल के फॉर्म में। तो कोरोजन के लिए ये दो चीज़ें जिम्मेदार हैं, मॉइस्चर और एयर। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो कोई भी मेटल नहीं, अधिकतर मेटल्स जो होते हैं वो कोरोड हो जाते हैं। कोरोड हो जाना का मतलब क्या होता है? कि उसका जो ऊपरी सरफेस होता है वीक हो जाता है। ठीक है, यानी खुरदरा हो जाता है। कोरोजन का एग्जैक्ट मतलब जो होता है वो होता है खुरदरा हो जाना, रफ हो जाना सरफेस। जैसे ये मेरा बोर्ड है, अगर मान लीजिए आयरन का है और बहुत ही स्मूथ है, मैंने नया नया लिया है, ठीक, लेकिन अगर ये मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आएगा, पानी इस पे छिड़का गया और हवा लगातार हवा के कॉन्टेक्ट में है, तो क्या हो जाएगा? इसका ऊपरी सरफेस खुरदने लगेगा, स्क्रैच होने लगेगा और टूटने लगेगा। उसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। तो ये मेटालिक चीज़ों में पाया जाता है। तो इन दो वजहों से, इन दो फैक्टर की वजह से कोरोजन होता है, मॉइस्चर एंड एयर। यानी वाटर, हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा, जैसे बरसात का सीजन होता है तो उस समय हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है और हवा में ऑक्सीजन तो है ही, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेडली होती हैं। और आप देखते होंगे अगर अच्छे से पेंटिंग वगैरह नहीं किया रहता है तो मेटालिक चीज़ें बहुत तेज़ी से कोरोड हो जाती हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, है ना। या फिर रेनी सीजन के अलावा भी अगर कोई भी आपका मेटालिक गेट है, खिड़की है, विंडो है, अगर वो उस पर लगातार पानी पड़ रहा है और हवा के कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली वो कोरोड हो जाता है और वीक हो जाता है। ठीक है, तो कोरोजन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ वीक ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, और उसकी वजह से वो जो मेटल होता है वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, लेयर बाय लेयर वो वीक होते जाता है। चलिए तो इसको और अच्छे समझते हैं कोरोजन को आयरन के केस में। कोरोजन एक टर्म जो है वो सभी मेटल के लिए, जैसा मैंने कि पहले बताया। अब अगर आयरन के केस में इसी कोरोजन प्रोसेस को पढ़ेंगे तो उसके लिए एक अलग टर्म बनाया गया है, रस्टिंग। रस्टिंग यानी जिसका एग्जैक्ट मतलब होता है जंग लगना। ठीक, तो रस्टिंग प्रोसेस भी कोरोजन का ही एक टाइप है या कोरोजन ही है, लेकिन चूंकि आयरन हमारे पूरे वर्ल्ड में आयरन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, आयरन के बहुत सारे मशीनरी बनते हैं, मतलब आयरन पे बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेटल है, तो आयरन के इम्पोर्टेंस को देखते हुए आयरन के लिए कोरोजन वाला एक नया टर्म बना है जिसको रस्टिंग बोलते हैं, जबकि बाकी मेटल के लिए हम लोग कोरोजन टर्म ही यूज करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द आयरन वी यूज अनदर टर्म फॉर कोरोजन प्रोसेस, दैट इज नॉन एज रस्टिंग। ठीक है, तो आयरन में रस्टिंग कैसे होता है अगर इसको रिएक्शन के थ्रू देखा जाए, तो ये हमारा मान लीजिए आयरन मेटल है, इसका सिंबल है Fe, और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और वाटर से, जैसा कि मैंने पहले बताया
कि ये दो फैक्टर बहुत ज्यादा डेडली हैं, इन दोनों के प्रेजेंस में कोई भी मेटल, अधिकतर मेटल कोरोड हो जाते हैं या उनमें रस्ट लग जाता है। तो आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe2O3.XH2O। ये जो फार्मूला है ये है रस्ट का फार्मूला, यानी जो जंग लगता है ब्राउन कलर का आयरन के मेटल के ऊपर, जो सरफेस खुरदरा होता जाता है, तो इस तरह का केमिकल नेचर उसका होता है। जो रस्ट बनता है उसका केमिकल फार्मूला यही होता है, ठीक है, क्लियर। तो रस्टिंग के लिए हम लोग जब समझ गए कि ये दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑक्सीजन और वाटर, अगर इन दोनों का सप्लाई हम लोग रोक दे तो हमारा मेटल बच जाएगा और उसमें रस्टिंग नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए इसको आगे समझते हैं कि कैसे रस्टिंग को रोक सकते हैं, है ना, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। जैसे आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज रस्टिंग, तो रस्टिंग में आप समझा देंगे कि क्या होता है और ये रिएक्शन लिख देंगे, और रस्टिंग होता क्यों है वो दो रीजन लिख देंगे, और रस्टिंग को रोक कैसे सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए दो तीन स्टेप्स आपको लिखने पड़ते हैं। तो ये आप रेडी रखिए। हाँ, तो वेज टू कंट्रोल रस्टिंग, रस्टिंग को कंट्रोल करने के लिए तरीके, सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है कि टू ब्लॉक द सप्लाई ऑफ वाटर ओवर मेटल्स, ओवर मेटल्स यानी कोई भी मेटल है तो वहां पर पानी ना पहुंच पाए, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाइंग पेंटिंग को, रस्ट फ्री पेंटिंग, ठीक है। हम लोग जैसे खिड़की दरवाजे वगैरह पे पेंटिंग करते हैं जो मेटल की बनी होती हैं, जिससे क्या होता है वो लंबे समय तक ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, और हमारा जो मेटल होता है उस पर रस्टिंग या कोरोजन नहीं लग पाता है। और क्या सब कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस, जो आप पहले भी छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, गैल्वनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, क्योंकि आयरन का यूज़ तो बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, टावर, ब्रिज और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो आयरन के इन बड़े बड़े चीज़ों को, बड़े बड़े जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं उनको बचाने के लिए एक मेटल का लेयर लगाया जाता है। किस मेटल का लेयर, जिंक मेटल का, जिंक मेटल लेयर ओवर आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स का मतलब लोहे से बनी हुई वस्तुएं, ठीक। तो जिंक मेटल का लेयर जब हम लोग आयरन के, लोहे के चीजों पर लगाते हैं तो उस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, और गैल्वनाइजेशन से लंबे समय तक, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक जो है हमारा आयरन का मेटल या उससे बनी हुई जो भी मशीन है या पार्ट्स हैं वो बचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, उस पर कोरोजन नहीं लगता है, ठीक है। तो ये गैल्वनाइजेशन काफ़ी थोड़ा सा कॉस्टली है और बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। छोटे पर्पज के लिए हम लोग पेंटिंग वगैरह करके क्या करते हैं कि एक सीजन या कुछ महीने या साल भर के लिए हम लोग रस्टिंग से या कोरोजन से अपने मेटल की चीज़ों को बचा लेते हैं, ठीक है। और गैल्वनाइजेशन बड़े पर्पज के लिए यूज किया जाता है और इससे लंबे समय तक, कई सालों तक मेटल पे रस्ट नहीं लगता है, अगर हम लोग जिंक मेटल का लेयर किसी भी आयरन आर्टिकल पे अप्लाई कर दें, ठीक। और क्या कर सकते हैं कोरोजन को बचाने के लिए, यूजिंग मशीन ऑयल वगैरह जो होता है, ठीक है, इससे भी यूज करते हैं, जैसे साइकिल वगैरह या गाड़ियों में जो ऑयल डाला जाता है उससे भी कोरोजन नहीं होता है। वो ऑयल क्या करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को, ऑक्सीजन के कांटेक्ट को रोक देता है। अब जैसे यहाँ पे हमारा कोई मेटल है,
और इस पे मैंने ऑयलिंग कर दिया, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा तो भले यहाँ पे वाटर आ रहा है, गाड़ी अगर पानी वाले जगह पे चलाया जा रहा है तो भी वो कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि कोरोजन के लिए दोनों ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी और वाटर भी। कोई अगर एक चीज़ भी ब्लॉक हो गया तो दूसरा चीज़ अकेले कोरोजन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ मेथड है जिसको आप लर्न कर सकते हैं या लिख सकते हैं अपने से, और इससे हम लोग क्या करते हैं, रस्टिंग या कोरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग कोरोजन में थोड़ा सा हल्का सा पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे रैंसिडिटी पे। तो कोरोजन जो होता है कई सारे मेटल्स पे होता है ना, एक ब्रॉडर टर्म है ये। कोरोजन जो है सभी मेटल के लिए कॉमन टर्म है, और रस्टिंग पार्टिकुलरली आयरन के लिए एक शब्द बनाया गया है, क्योंकि आयरन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हर जगह उसका यूज होता है, अलग अलग मशीन पार्ट बनते हैं, है ना, तो उसलिए रस्टिंग बोला गया है। रस्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन, दोनों ही इंटर रिलेटेड है, बट आयरन के इम्पोर्टेंस की वजह से उसके लिए एक अलग टर्म दे दिया गया है, उसको कोरोजन नहीं बोलते हैं, ठीक। तो कोरोजन में अलग अलग मेटल जो होता है अलग अलग तरह का लेयर बना लेता है, एक वीक ऑक्साइड बना लेता है जैसा मैंने लिखा था। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि कौन से मेटल पे किस कलर का ऑक्साइड बनता है कोरोजन के बाद। तो सबसे पहले आयरन, ठीक है, आयरन मेटल जिसका सिंबल Fe होता है, आयरन के मेटल पे जब कोरोजन हो जाता है, जब वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है और एक पतला सा लेयर बना लेता है, तो रेडिश ब्राउन, रेडिश ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, जैसा कि मैंने रस्ट का फार्मूला लिखा था रिएक्शन में। तो आयरन पे जब कोरोजन होता है तो रेडिश ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, या रेड कलर का कोरोजन लेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? कोरोजन लेयर, यानी जंग का परत बन जाता है, ठीक है। अगर कॉपर है, कॉपर मेटल है जिसका सिंबल Cu होता है, तो कॉपर मेटल अगर वाटर और मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो उस पे ग्रीन कलर का ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। यानी अगर कोई तांबे का चीज़ है और उस पे अगर आप देखें कि हरा हल्का गंदा डर्टी ग्रीन कलर का अगर लेयर उस पे धब्बा बन रहा है, इसका मतलब है कि उसने एक ऑक्साइड बना लिया है, कॉपर ऑक्साइड, और वो किसका रिजल्ट है? कोरोजन की वजह से, कोरोजन हुआ है, इस वजह से कॉपर जो रेड कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है ग्रीनिश ग्रीनिश हो जाता है, बिकॉज ऑफ कोरोजन। उसके अलावा सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल Ag होता है, अर्जेंटियम। अब सिल्वर मेटल जो होता है, जो सिल्वर के बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह सभी पहनते हैं, तो जब सिल्वर वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है लंबे समय तक, तो लिटिल बिट ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैक। तो जब चांदी की चीज़ें थोड़ी थोड़ी ब्लैक होने लगें तो इसका मतलब है कि उसका कोरोजन हो गया है, सिल्वर मेटल का कोरोजन हो गया है, जिसकी वजह से उसका कलर चांदी जो चमकता रहता है वाइट कलर का, वो ब्लैकिश कलर का थोड़ा सा हो जाता है ना। तो अलग अलग मेटल पे अलग अलग कलर का ऑक्साइड का लेयर बनता है, यानी अलग अलग कलर हम लोग चेंज देखकर बता सकते हैं कि इस पे कोरोजन हुआ है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इतना हो गया कोरोजन में, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रैंसिडिटी पे। रैंसिडिटी जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रैंसिडिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में विकृत गंधिता बोलते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत का मतलब होता है बेकार, और गंधिता मतलब गंध, स्मेल। तो जब भी कोई फैट या ऑयल वाली चीज ऑक्सीजन से
रिएक्ट करती है तो एक फाउल स्मेल बनाती है, फाउल स्मेल पैदा करती है प्लस बैड टेस्ट। ये मैं रिएक्शन ही बता रहा हूँ, ये एक सेंटेंस को ऐसे रिएक्शन के फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कि जो भी ऑयली चीज़ें होती हैं या ऑयल से बनी होती हैं खाने पीने की चीज़ें, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएंगी, हवा के कांटेक्ट में, हवा से रिएक्शन करेंगी, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, उसमें बदबू सी आने लगेगी। यानी इनिशियली जो फैट और ऑयल फ्रेश रहता है उसकी जो सुगंध रहती है वो थोड़ी सी दुर्गंध जैसे लगने लगेगी, बैड स्मेल आएगा, फाउल स्मेल इसको बोलते हैं। साथ ही साथ अगर उसको खाएंगे उस फूड आइटम को या उस तेल या घी को, तो उसका टेस्ट भी बहुत बेकार लगेगा, इनिशियल टेस्ट से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट रहता है। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि हमारा जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे फैट और ऑयल से रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, जिसकी वजह से हमको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं कि स्मेल में चेंज आ जाता है, साथ ही साथ उसके टेस्ट में भी चेंज आ जाता है, ठीक है। तो इसी जो प्रोसेस है, ये जो होता है प्रोसेस, इसको रैंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑयली चीज़ों में देखने को मिलता है। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इन फैटी और ऑयली फूड आइटम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, ठीक है। तो कोई भी खाने की चीज़ जिसमें फैट है, ऑयल है, तेल है, घी है, जब उसको एयर में खुला रख देते हैं तो उसकी वजह से उसमें जो बैड स्मेल या बैड टेस्ट आता है, स्मेल बहुत बेकार लगता है, उसका टेस्ट खराब लगता है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है, विकृत गंधिता जिसको बोलते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा विकृत गंधिता। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये तो फिलहाल समझ लें कैसे कोई चीज़ जो फैटी चीज़ें हैं या तेल घी से बनी हुई चीज़ें हैं उनमें ये चेंजेस क्यों होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन उससे रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। अब इस रेंसिडिटी को रोक कैसे सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो पढ़ते हैं। रेंसिडिटी को कंट्रोल करने का तरीका, जैसे हम लोगों ने कोरोजन को कंट्रोल करने का तरीका समझा था, उसी तरह से रेंसिडिटी को भी रोकने का कोई तरीका होगा, नहीं तो हमारी सारी फैट वाली चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल